होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। चले दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल के पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग देखा होगा, तो यार पहले भी आपको पता है और मैंने बता भी रखा है कि पिछले सीजन मेरा फालतू में आईडी बैन हो गया था। उस समय मेरे को कॉन्करर के लिए 200 पॉइंट चाहिए थे और 7 दिन के लिए मेरा बैन हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और आपको बताया था कि आपके साथ नेक्स्ट सीजन में मैं करूँगा कॉन्करर पुश, तो उसके लिए थोड़ा मैं रैंक पुश स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि क्राउन तक तो कुछ पहुँच जाओ, ताकि जब टायर रीसेट हो तो मैं कम से कम प्लेटिनम तक तो रहूँ, प्लेटिनम 4 तक, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मतलब कॉन्करर पुश करना। तो यार उसमें कर ही रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन यार उसमें हैकर ना क्या ही मतलब ले के जा रहे हैं, तो जितना मैं प्लस नहीं कर रहा उतना तो मेरा माइनस ही हो जा रहा है फोकट का। और शुरू में पता नहीं चल रहा ये पता, अब पहले थोड़ा पता भी चलता था, अब तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अब ये सारे बंदे उतर जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत जैसे उतर रहे हो वैसे ही मतलब लूटने के लिए जा ही रहे हो, तो हैकर कांड कर दे रहा। तो उसकी बात छोड़ते अब चलते अपने गेम प्ले के साइड। तो मैं उतरा हूँ जॉर्ज पुल, और यहाँ पर मेरा जो टीममेट है ठिल चुका है, तो उसको ये हम लोग भेज दिए। तो अब यहाँ से ये मैच अब सोलो वर्सेस डुओ का होने वाला है, तो अब इन्जॉय करना। अब मैं ये गेम मतलब उस मैच के बाद ही का था, तो मैं इस बार सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो इसमें पॉइंट कैसे भी लेना है मुझे, चाहे रस खेलना है चाहे कुछ करना है। तो इसमें थोड़ा मैं अटैकिंग खेल रहा था, तो इसमें किल भी अच्छे खासे निकल जाते हैं और आपको क्लचेज देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये बंदा फ्री फायर में जाता है, ये बंदे ने मेरे टीममेट को आई थिंक सो मार दिया था, ये मारा था या इसका टीममेट, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ। उसके बाद मेरे को गन साउंड आता है आगे जो कार 98 चलने का, तो मैं जाता हूँ आगे की साइड और उसको देखो क्या ही मतलब भरेंगे, और इसको ये हम लोग क्या खूटी मतलब तरपा तरपा के मारेंगे, देख लो क्या सीन चलता है। और यार वीडियो पर सपोर्ट करो यार, पहले इतना अच्छा खासा आप सपोर्ट कर रहे थे और अचानक ही से सपोर्ट करना बंद करती है, मतलब ग्रो अच्छा खासा हो रहा था मेरा चैनल, और अब तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी एक दो हफ्ते से कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आप दिखा रहे हो, तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं दिखाओगे तो यार कैसे अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। तो खैर वहाँ पे मैं स्मोक कर देता हूँ उनका ध्यान भटकाने के लिए, और वहाँ पर स्मोक करता हूँ तो उनका ध्यान रहता है कि मैं इस जो भी है अंदर से आऊँगा, लेकिन मैं आता हूँ बाहर से, एक थोड़ा दिमाग का खेल था, तो इसको मैं आराम से भर देता हूँ। और उसके बाद पीछे के साइड से भी गन साउंड आता है, तो मैं जाता हूँ पीछे, तो यार ऐसा ना करो, मतलब पहले अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे थे, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे अच्छे खासे, तो दोबारा से सपोर्ट करो, जिसके मतलब जिससे कि आपको ये होगा कि मतलब मैं और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो। तो अब बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। इस बंदे से मैं काफ़ी देर से फाइट कर रहा था, इसका हेलमेट में पहले फोड़ चुका था, तो इसको आराम से भर दिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था, मतलब काफ़ी देर से मुझे घुमा रहा था इधर से उधर, लेकिन ये फाइनली ये लोग चला गया। तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे भी जब मैं जॉर्ज पुल था, तो यहाँ से गन साउंड आ रहा था कब से, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको देखो बूम, तो इसको भी हम लोग भेज दिया। अब इसको मारने के बाद
मैं बंदे ढूंढ ही रहा था काफ़ी देर से। उसके बाद आता हूँ मैं रोजक में, और रोजक में दो चक्कर लगाता हूँ लेकिन कोई मिलता नहीं। और जैसे मैं जा रहा होता हूँ तभी यहाँ पे अटैक होता है। तो मैं चाहता हूँ पहले, और मुझे यहाँ पे सही में लगा था कि वो बंदे पीछे के साइड होंगे, तो मैं अपने व्हीकल को यहाँ पे रोकता हूँ और जाता हूँ देखना राइट साइड में। अब यहाँ पे मेरी क्या ही फटी, अब देखना बस। अब मैं यहाँ पे आ जैसे सामने से देखा, अब मैं एकेएम से उतने दूर स्प्रे नहीं कर सकता था, वहाँ पर मर भी सकता था मैं। तो पहले तो मैं जैसे तैसे उसको 1 HP में मार दिया, लेकिन यहाँ पर जो ही फटी तो मैं ही जानता हूँ। तो उसके बाद मैं जाता हूँ इसके टीममेट को मारने, और इसका टीममेट देखो क्या सीन चल रहा था इसका। तो ये भाई साहब अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक कर रहा था, और स्मोक ये इसने कर भी दिया था, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो मैं इसको जाता हूँ पहले, और ये अभी भी स्मोक या ग्रेनेड हाथ में ले रखा था जिसके कारण ये फायर नहीं कर पाया, तो मैं इसको आराम से भर दिया। और उसके बाद मैं आता हूँ अपार्टमेंट में। अब अपार्टमेंट में आता हूँ तो यहाँ का फाइट मतलब काफ़ी देर मतलब TPP ले रहा था, क्योंकि अब अच्छे खासे मेरे किल भी हो गए थे। तो मैं सोच रहा था पॉइंट ले लूँ एंड तक, अगर बचा रहा तो मैं यहाँ पे पहले TPP लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या सीन था, मुझे पहले लगा था कि एक बंदा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। तो यहाँ पे दो टीम थी और दोनों टीम अप कर रही थी, और दोनों को देखो क्या ही भरूँगा अभी। तो बस आप उसके लिए एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल में पहली बार आओ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं देखो, अब कुछ बंदे नए होंगे तो देख रहे होंगे तो बोल रहे भैया तू जा क्यों ले रहा। तो जाने जाके मार सकता हूँ यार, वहाँ पे 50-50 चांस हुआ, क्योंकि वहाँ ऊपर दो टीम है और मैं अकेले हूँ, और वो लोग टीपी भी लेके होल्ड कर रखे वहाँ पे। तो ऊपर जाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे नीचे मतलब फायर वायर करता हूँ कि ताकि कोई नीचे कूदे, और तभी यहाँ से फुटप्रिंट आता। तो मैं जाता हूँ पहले बाहर, और उनको मैं पहले पूरा कन्फ्यूज करता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे देखो अभी तक मुझे पता था कि एक ही बंदा, और मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो दो फुटप्रिंट आता है अभी, और दो फुटप्रिंट आया। अब देखना मैं इसको मारूंगा और इसका जो दूसरा टीममेट होगा। तो मैंने इसको मारा किल फीड में, देखो जो इसका टीममेट था उसको मिनी से कोई ऊपर ही मार दिया, क्योंकि नीचे तो मैंने इसको मार दिया, अब उन्होंने धोखा कर दिया इसके साथ। मैंने इसके टीममेट को मारा तो उन्होंने किल के चक्कर में उसी को मार दिया। अब यहाँ पे बची थी एक टीम, अब उस टीम को जो ही मैं भरने वाला हूँ ना, वहाँ का क्लच देखना बस। अब मैं यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सब TPP ले रहे थे, तो थोड़ा हार्ड रहता है मेरे को दोनों को मारने के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहीं पर तभी मेरे को कूदने का साउंड आता है। अब थोड़ा चिल होता है ना मतलब किल उल के चक्कर में, तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं थोड़ा अटैकिंग खेलता हूँ। तो मैं चल जाता हूँ बाहर की साइड, और जैसा जैसा फुटप्रिंट आ रहा था उसी हिसाब से जा रहा था, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे मैं होल्ड करके देखता हूँ कि बंदे कहाँ हैं। तो एक बंदा यहाँ पे मेरे को दिखा, और तभी इसका दूसरा बंदा भी दिखेगा अभी। तो मुझे फाइनली पता चल गया था कि यहाँ पे दो बंदे हैं, तो मैं वेट कर रहा था हूँ, अभी फायर नहीं कर रहा होता हूँ। तो जैसे एक बंदा क्रॉस करेगा तो मैं उस पर शॉट लेने की कोशिश किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखना मतलब क्या है यहाँ पे फाइट होगा, तो इसके लिए आपको एक लाइक तो करना बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कभी चेक की थी, अब उनको बस मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था और उनको रश करना था। तो भाई साहब यहाँ पे दोनों को मैं मार दिया, तो आपको एक लाइक करना पड़ेगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सपोर्ट करो। अब देखो सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, मतलब करना भी मतलब आपका मन हो तो कर सकते हो, लेकिन वीडियो को शेयर करो। और इन दोनों को यम लोग भेजने के बाद मैं निकलता हूँ आगे के साइड, थोड़ा इनसे लूट उट लेता हूँ। और एक बात और बोल दो यार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो हैकर आते जाते रहेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीजन आप लोग के साथ मैं भी चलूँगा कॉन्करर, और यहाँ से थोड़ा लूट ले लेता हूँ। और मैं निकलता हूँ आगे के साइड, और यहाँ पे मतलब आने के बाद देखना मेरा टीममेट क्या है, मुझे कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मैं आगे का वीडियो कट कर दिया हूँ। तो मुझे घरों में बंदे दिखे थे, और मेरा टीममेट बता रहा था कि नहीं पेड़ के साइड बंदा है, तो उस समय मेरे को दिखा नहीं था, लेकिन वीडियो एडिटिंग करते समय मेरे को दिखा। तो मैं देख रहा था पहले घरों में, और उसके बाद मेरा टीममेट बोलता है पेड़ के साइड, तो मैं देखने लगता हूँ पेड़ के साइड, और तभी भाई साहब मैं मतलब क्या ही फंसा था। और इसको ऊपर भी मतलब टीम थी,
तो जिसकी वजह से मैं मारा गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।